गाइस हाउ आर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इस आशा के साथ कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक शुरू करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसके पहले जान लेते हैं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो परसेंटेज का फॉर्मूला आपका होगा किसी भी एलिमेंट के लिए इन अ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इक्वल्स टू द टोटल वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक, द टोटल वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक, ये टोटल वेट किसका, जिस एलिमेंट की आप परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक, इस ऐसे कंपाउंड में अगर आप कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके वन मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा इस कंपाउंड में, वो डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक, परसेंटेज वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और परसेंटेज क्या होता है, इनटू 100। ठीक, तो ये हो गया आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक, बाय द वेट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। ठीक, ये हो गया परसेंटेज। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी ये परसेंटेज में ही रहेगी। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेट ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। ये आपका होगा क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक, अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन है क्या, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है आपका, किसी के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं, तो ये किसके किसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, परसेंटेज अमाउंट इन अ कंपाउंड, परसेंटेज परसेंटेज अमाउंट इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड मे बी इन रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में। तो ये चार चीजें होती हैं। ठीक, पहला क्या होगा, एनी और मोर ऑफ द एलिमेंट कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। ठीक, कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल का परसेंटेज दूसरे मॉलिक्यूल के परसेंटेज से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये कितने परसेंटेज प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करने के बाद आपने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया, फिर क्या करते हैं, हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन और विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन 16% ले रहे हैं तो हाइड्रोजन हमको कितने परसेंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो यानी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या होगा,
रेडिकल और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। ठीक, अब रेडिकल्स पे आ जाएंगे। रेडिकल्स क्या होते हैं? अ ग्रुप विच हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक, तो ये हो गए आपके रेडिकल्स। ये कब काम आएंगे? जब कोई कंपाउंड आपका दो में ब्रेक होगा, दो एलिमेंट में। ठीक, तो वहां पे रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। तो उस रेडिकल्स, एक रेडिकल को दूसरे रेडिकल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे कि ये कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेडिकल। ठीक, फिर क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी सॉल्ट आपको दिया हुआ है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, क्या हो गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट है तो वो कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब कर रहा है एनवायरनमेंट से, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। अगर 100 ग्राम ये है सॉल्ट और मान लीजिए 110 ग्राम आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इन दोनों का परसेंटेज आप निकाल लेंगे। ठीक, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, कि सॉल्ट के रिस्पेक्ट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उस सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट में। ठीक, यानी रिलेटेड वाली चीजें हैं इसमें, कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, एक रेडिकल का दूसरे रेडिकल के रिस्पेक्ट में, सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक, सिंपलर मॉलिक्यूल विच इज अ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि अगर इसमें फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें जो एक का आएगा वही दूसरे ऑक्सीजन का भी आएगा, क्योंकि यहां पे टू एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक, अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऐसा कुछ आपको कंपाउंड दिया हुआ है और बोला हुआ है कि हर एलिमेंट का परसेंटेज निकालो। ठीक, तो पहले क्या करेंगे? सोडियम का मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब पहले कैलकुलेट करेंगे हमारा आरएमएम, जो था हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो ये होगा आपका 23 × 2 प्लस 12 प्लस 16 × 3। ठीक, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 106। ये आ गया आपका, अब ये आ गया आपका 106। और आपको इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, ये 106 ग्राम है, हम क्या एज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम, तो इजी हो जाएगा। 100 ग्राम तो 1 ग्राम का 1% हो जाएगा, तो इससे 100 ग्राम इक्वल्स टू 100%। ठीक, अब क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले आ जाते हैं सोडियम पे, सोडियम का फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज। तो 23 × 2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 106 × 100। ठीक, ये क्या आएगा सॉल्व करने पे? ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 43.5 ग्राम। ठीक है, 43.5 या 43.4 ग्राम। ठीक, अब कार्बन की बात कर लेते हैं, 12 × 100 डिवाइडेड बाय 106। यहां 2 इसलिए क्या? क्योंकि सोडियम के दो एटम प्रेजेंट है। ठीक, यहां कार्बन का एक ही प्रेजेंट है, तो सीधा सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आएगा 11.3 ग्राम। ठीक, अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है 3, तो 16 × 3 डिवाइडेड बाय 106 × 100 सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका? 45.8
ठीक है, परसेंटेज नहीं ग्राम, ग्राम। ठीक, अब हमने क्या अज्यूम किया था, 100 ग्राम इक्वल्स टू 100%, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1%, तो उस हिसाब से क्या होगा, ये 43.4 ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा 43.4%, यहां पे क्या हो जाएगा 11.3%, और यहां पे क्या हो जाएगा 45.8%। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है और परसेंटेज पूछा है तो आप क्या करेंगे, ये अजम्पशन ले लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले ग्राम, फिर आप एक लाइन लिखेंगे, वी आर अज्यूमिंग दैट 100 ग्राम इक्वल्स टू 100%, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1%। ठीक, उस हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, सब परसेंटेज में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह आपको परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात परसेंटेज की। अब चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपलेस्ट केमिकल फॉर्मूला होता है जिसमें सिंपल होल रेशियो नंबर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सिंपल मतलब जैसे आपको दिया है C6H12O6, ठीक, इसको अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से 6 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अगर ऐसे बात करें 6 12 6 रेशियो है इनका। ठीक, आप 6 से सबको डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा, 1 2 1, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2O। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर लें, H2O2। अब इनका रेशियो क्या है, 2:2 का, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे यानी 2 से डिवाइड कर दे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का, तो ये क्या हो जाएगा, OH या HO। ठीक है, ये हो गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल रेशियो बताता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपके कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, सिंपलेस्ट की बात हो रही है यहां पे, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट आप देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि C6H12O6 को अगर सिंपल कन्वर्ट करेंगे तो CH2O ही होगा, इससे नीचे हम नहीं आ सकते, क्यों, और कोई इसमें कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है और ना इसमें है। ठीक, तो सिंपल ले जाने की कोशिश करेंगे, जितना सिंपल हम ले जा सकते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, किसी भी केमिकल फॉर्मूला का इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, और ये तो हो गई इंपेरिकल फॉर्मूला की बात। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बताता किसी भी एलिमेंट के इन अ कंपाउंड। ठीक, कि कंपाउंड में किसी एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले की बात कर ले तो हमें ये थोड़ी पता है कि ये इस फॉर्मूले का इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो हम तो ये मानेंगे 1 एटम 2 एटम 1 एटम, लेकिन अगर 1 एटम 2 एटम 1 एटम कंबाइन करेंगे तो हमको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। ठीक, हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला ही C6H12O6 होता है। जब तो एटम की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हम कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इंपेरिकल फॉर्मूला से, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। ठीक, वो आगे की बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब कुछ पॉइंट्स हैं इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के। पहला, आपको एक क्वेश्चन मिला, उसमें मान लीजिए 4 एटम दिए हुए हैं Na और C, O और एक और कोई है S मान लीजिए। ठीक, सपोज कर रहे हैं अभी कोई ऐसा कंपाउंड आपको दिया
दे दिया गया और इसके कुछ परसेंटेज दे दिए गए, ठीक। उन परसेंटेज को पहले आप सम करके देखेंगे कि वो 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 100% नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप माइनस करेंगे सबके सम से, यानी 100 माइनस सोडियम परसेंटेज माइनस कार्बन परसेंटेज माइनस ऑक्सीजन परसेंटेज माइनस सल्फर परसेंटेज, ठीक। तो जो बचे के आएगा वो आपका किसका परसेंटेज होगा, कार्बन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का। अगर आपको उस फॉर्मूले में कार्बन ऑक्सीजन दिए हुए हैं तो बचा हुआ क्या होगा, वो हाइड्रोजन का परसेंटेज, ठीक। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा, पहले आप चेक करेंगे 100% हो रहा है कि नहीं। 100% नहीं हो रहा है तो माइनस करके देखेंगे और देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, वो परसेंटेज होगा आपका उस एलिमेंट का, ठीक। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका होगा, ये परसेंटेज की बात हो गई, दूसरा पॉइंट होगा आपका कि सबके आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम होने चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम होने चाहिए, तो उसका कॉलम अलग बनेगा, ठीक। मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट है आपका, अगर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी दिया हुआ है, ठीक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वहां पे क्या होगा, सीधा H2O लिखा जाएगा, ठीक है, सीधा H2O, और उसका मास 18 लिख दिया जाएगा, उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा अलग अलग एलिमेंट में, ठीक, सीधा H2O लिख देंगे, उसके मास को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम, फिर डिवाइड करेंगे तो सिंपल रेशियो। तो ये तीन मेन स्टेप हैं। फिर चौथा स्टेप क्या कहता है, जब आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट हो गए तो उसमें आप फाइंड आउट करेंगे कि सबसे छोटा नंबर उसमें से कौन सा है, ठीक। वो फाइंड आउट करके आप क्या करेंगे, सबको उससे डिवाइड कर देंगे, आपको सिंपल रेशियो मिल जाएगा, उसको आप लिख देंगे, वो आपका हो जाएगा स्पेकर फॉर्मूला, ठीक। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको एनजी दिया है 9.75%, ठीक, सॉरी 9.76%, और सल्फर दिया है और सल्फर का परसेंटेज आपका 13.01, ठीक। फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है 26.01, और क्या दिया हुआ है, H2O यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, वो क्या है 51.02। इसको पहले आप ऐड करेंगे, ठीक, तो 2, 1, 3, 4, 10 हो गया, ठीक, 7, ठीक है। तो इसको जब आप सम करेंगे तो ये क्या होगा आपका, बहुत मिनिमम अमाउंट नेग्लिजिबल है, ठीक, बहुत मिनिमम परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब पहले टेबल फॉर्म करेंगे, किस चीज की, चार कॉलम होंगे उसमें, पहला होगा आपका एलिमेंट का, ठीक है, पहला होगा आपका एलिमेंट का, दूसरा आपका क्या होगा, परसेंटेज, जो परसेंटेज आपको गिवन होंगे वो, तीसरा आपका होगा एटॉमिक मास का, ठीक, और चौथा होगा आपका सिंपलेस्ट रेशियो का, ठीक। अब लिख लेते हैं, पहले mg था आपका कितना 9.76%, दूसरा आपका सल्फर था, तीसरा आपका सल्फर कितना था 13.01%,
सल्फर हो गया, अब ऑक्सीजन 26.01%, ठीक, फिर सॉरी ये 01 नहीं 21%, ठीक है, ये हो गया। फिर होगा आपका H2O कितना 51.02%, ठीक, ये लिख लिया आपने। अब सबके आप एटॉमिक मास यहां लिख लेंगे, ठीक है, एक कॉलम और बनेगा कौन सा नंबर ऑफ एटम्स का, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक, ये हो गया। तो इतने कॉलम तो आपके बनने ही हैं, ठीक, और इसी तरह इस क्वेश्चन की मार्किंग भी होती है कि हर कॉलम के नंबर होते हैं, ठीक है। फिर अब मैग्नीशियम का मास लिख लेते हैं कितना होता है 24, ठीक, फिर सल्फर का लिख लेते हैं कितना होता है 32, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर वाटर का होता है आपका 18, ठीक, 18 कैसे, H2O 1 × 2 + 16, 16 + 2 = 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इस वाले कॉलम में, ठीक, 9.76 / 24, फिर 13.01 / 32, फिर 26.21 / 16, फिर 51.02 / 18। हाँ, एक और बात, इस वाले कॉलम में नंबर पूरी तरह कट जाता है तो ठीक, नहीं तो पॉइंट की 3 डिजिट तक नंबर लेते हैं या फिर 4 डिजिट तक, फिर उसको क्या कर लेते हैं हम, राउंड ऑफ, अगर वो नहीं कट रहा है तो, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग है तब, ठीक। तो यहां पे पहले 3 डिजिट तक फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहां पे क्या आएगा 0.406, फिर क्या आएगा यहां पे 1.665, फिर क्या आएगा आपका यहां पे 2.84, ठीक। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 स्टेप कंप्लीट। अब आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब क्या करना है, इन सब में सबसे छोटी डिजिट फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी आपकी ये वाली है, ठीक। तब क्या करेंगे, 0.406 / 0.406, ठीक, उसी नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, सारे नंबर को उस नंबर से, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, इस नंबर को भी उसी नंबर से करेंगे, इस वाले कॉलम में क्या करना है आपको, राउंड ऑफ करना है नियर बाय होल नंबर में, ठीक, नियर बाय होल नंबर में। राउंडिंग ऑफ के रूल आपको मालूम है, 0.5 पे क्या होता है, 0.5 के पहले या 0.5 के बाद, ठीक। तो नियर बाय होल नंबर आपको लेना होगा इस वाले कॉलम में, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, सीधा एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख देंगे, कैसे, Mg इंटू सिंपलेस्ट रेशियो 1, ठीक, फिर S इंटू सिंपल रेशियो 1, फिर O क्या होगा, MgSO4, ठीक। अब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो डॉट डॉट लगा के 7H2O, बस ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारे कॉलम बना के, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक, ये हो गया। तो इस तरह आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, जो आपकी थर्ड यूनिट का, फिफ्थ चैप्टर की थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, एक और बात, कोई जरूरी नहीं है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपको हर एलिमेंट के परसेंटेज ही गिवन हो। कभी कभी क्या होता है, आपको दे देंगे कंपाउंड, ठीक, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे देते हैं पूरा, उसमें आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट का पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला का जैसे करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। तो वो जो एलिमेंट होता है वो आपका किसमें हेल्प करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने में, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक, ये क्या करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी एलिमेंट के, ठीक, एक्चुअल नंबर। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बताया था, केवल सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर आपको बता रहा था, ठीक, एलिमेंट्स के बीच में। तो अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला तक का आपका स्टेप सेम है, ठीक, एम्पिरिकल फॉर्मूला तक तो आप आएंगे ही आएंगे। उसके बाद क्या फॉर्मूला होता है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एम, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एम। अब एन क्या है, ठीक, तो एन है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जो आपको वो एलिमेंट वो कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो उसका आप पहले आरएमएम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। और एम्पिरिकल वेट क्या होगा, जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे तो उस हिसाब से तो जो उस कंपाउंड का वेट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, उन दोनों का रेशियो ले लेंगे, जो भी आएगा एन उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। तो ये है आपका थर्ड यूनिट, यहीं पे फिनिश होती है फिफ्थ चैप्टर की, ठीक है। तो पहले आप एम्पिरिकल फॉर्मूला की अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर आपका हो गया अच्छे से आपको आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में फिर कुछ नहीं है, ठीक, केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और एन क्या होता है वो पता होना चाहिए, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, यहां से एन की वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक। तो पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2.5 नंबर का एम्पिरिकल फॉर्मूला के नंबर रहते हैं, 1 नंबर का आपका एन का, 1 नंबर आपका एन के लिए होता है और बाकी जो आपके बचे 1.5 नंबर वो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए रहते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से मार्किंग होती है और 5 नंबर क्वेश्चन में तो आपके ये क्वेश्चन मिलेंगे ही, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसके साथ हमने अपनी थर्ड यूनिट तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब बची है आपकी फिफ्थ चैप्टर की फोर्थ यूनिट, जो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इसमें मास्टरी हो जाएगी तो नंबर गेन करना इसमें इजी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।